हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड टेक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर सैमसंग स्मार्टफोन्स के बारे में। यहाँ पर रिसेंटली जो सैमसंग की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बट मेरा काम है आप सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, आप सभी को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देना, वजह ही वो अच्छी हो या बुरी हो। बुरी होती है तो मेरे को भी अफसोस होता है, अच्छी होती है तो मेरे को अंदर से खुशी होती है बताते हुए। वेल, यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा सैमसंग की जो एंड्रॉयड 11 और 1UI 3 की जो अपडेट लिस्ट है वो कंप्लीट काफ़ी टाइम पहले आ चुकी थी, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको जानना है कि सैमसंग के कौन कौन से स्मार्टफोन्स को एंड्रॉयड 11 और 1UI 3 का जो अपडेट है वो मिलने वाला है इन फ्यूचर इस साल के अंदर। काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स हैं, बट यहाँ पर एक बैड न्यूज़ ये है कि सैमसंग के जो स्मार्टफोन्स उसके अंदर मेंशन हैं वो तो रहेंगे ही, बट इसके अलावा यहाँ पर कोई भी स्मार्टफोन्स ऐड नहीं होने वाले हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जितने भी स्मार्टफोन अभी तक सैमसंग की एंड्रॉयड 11 और 1UI 3 की अपडेट लिस्ट की कैटेगरी में हैं वो स्मार्टफोन्स को ही मिलेगा। इसके अलावा नए कोई भी स्मार्टफोन ऐड नहीं किए जाएंगे एंड्रॉयड 11 और 1UI 3 के लिए, जो कि मेरे हिसाब से एक बैड न्यूज़ है। हालांकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सैमसंग का गैलेक्सी A7 2018 मॉडल है उसके ऊपर भी टेस्ट किया जा रहा है एंड्रॉयड 11 को, और यहाँ पर वो स्मार्टफोन 2018 में रिलीज़ हुआ था जो कि एंड्रॉयड आई गेस ओरियो पे था, एंड इसको 2 मेजर ऑफ सपोर्ट ऑलरेडी मिल चुके हैं, इसके 3rd मेजर ऑफ सपोर्ट होने वाला है। इवन यहाँ पर सैमसंग का जो S9 और S9 Plus है एंड Note 9 है, इनके ऊपर भी टेस्ट किया जा रहा है एंड्रॉयड 11 1UI 3 को। अब ये भी इसी तरीके से रिलीज़ किया गया था एंड्रॉयड ओरियो पे, और इन स्मार्टफोन्स को भी ऑलरेडी 2 मेजर ऑफ सपोर्ट मिल चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब डाउट है कि भाई क्या होगा। सैमसंग की तरफ से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कोई भी स्मार्टफोन ऐड नहीं किए जाएंगे, जबकि जो यहाँ पर डेवलपर है वो टेस्टिंग किए जा रहे हैं सैमसंग के पुराने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को भी। वेल, अब देखना ये होगा कि भाई सैमसंग क्या डिसीजन लेता है, ऐड होंगे स्मार्टफोन या नहीं होंगे। हालांकि ये जो बताया गया है ना, ये इंटरनेशनल जो अपडेट लिस्ट है उसके बारे में बताया गया है, जो इंटरनेशनल अपडेट लिस्ट है वहाँ पर और भी कोई स्मार्टफोन सेट नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि सैमसंग मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए अगर कोई अपडेट रोल आउट करता है तो उसको मिल सकता है, जैसे कि A7 2017 को मिला था एंड्रॉयड 10 का या पाई का अपडेट, आई डोंट नो, बट जो अपडेट वहाँ पर आया था एंड वहाँ पर 3rd मेजर ऑफ सपोर्ट था उस स्मार्टफोन के लिए, जो कि एक किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए था, कोरिया के लिए था आई गेस, वहीं पर ही रिलीज़ किया था। तो इस तरीके से शायद करें, बाकी देखते हैं, और जैसे भी होता है आपको सभी पता चल जाएगा। हमारे चैनल पर मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करके रखें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।